हेलो दोस्तों, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लड्डू ब्लॉग्स में। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम सवेरे 9 बजे। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी हो रहा है मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी, बनाती हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद देखते हैं आज हम ब्लॉगिंग के लिए क्या नया कर सकते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ नई चीज़ें। और मेरा आने वाला है पार्सल, तो पार्सल कैसा आया है और मैंने पार्सल में क्या मंगाया है ये सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने पार्सल में मंगाई हुई हैं साड़ियाँ, अभी सावन का महीना आ रहा है, सावन में सुहागने हरे कलर की साड़ी, हरी चूड़ियाँ ये सभी चीज़ें पहनती हैं, तो मैंने भी साड़ी मंगाई है। मैंने साड़ी मंगाई शॉपसी से, और मेरे को ज़्यादा हैवी साड़ियाँ पसंद नहीं है, प्लेन बॉर्डर वाली साड़ियाँ पसंद है, तो मैंने मंगाई है सिंपल सी एक साड़ी जो मुझे बहुत पसंद आई। जैसा फ़ोटो में लग रहा था सेम वैसा ही है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं फ़ोटो में अलग लगते हैं वैसे कुछ अलग आता है, तो ये साड़ी बहुत ही मस्त आई है। मैंने सेम 2 साड़ियाँ मंगाई हैं मम्मी के लिए और अपने लिए, क्योंकि हम लोग मंदिर जाएंगे तो दोनों सेम बन के जाएंगे। साड़ी तो ठीक ठाक आई है, अभी जो हमने किया है फॉल वगैरह लगाने के काम, अब फॉल लगाएंगी मम्मी। और ब्लाउज हमारे पास ब्लैक कलर का पहले से था, इसमें मैचिंग ब्लैक था, तो इसलिए हमने ये साड़ी मंगाई। मम्मी मुझे दोनों को सिंपल ये साड़ी पसंद थी, तो इसलिए हमने दोनों ने सेम साड़ी मंगाई, और सामान अच्छा आया है, जैसा क्वालिटी दिखाई थी वैसी आई है। और ये माइशु की खेलने की नए स्टाइल, माइशु हेलो बोल दो, देखो भाग गई, हेलो बोलो माइशु। ये हमारा नाश्ता बनके तैयार है, अब हम लोग करने जा रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में है आमलेट और पत्ता गोभी और आलू की मिक्स सब्जी, और नाश्ता लग चुका है। मम्मी अभी ना के आई हैं, मम्मी व्यस्त हैं अपने बाल बनाने में, बिना बाल बनाए खाना नहीं खाया जाता ना मम्मी, क्या होता है खाना खाने में ऐसे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। और माइशू क्या कर रही, माइशू पॉपकॉर्न खा रही है, माइशू खा रही पॉपकॉर्न, गिरा रही, पीछे देख तो सारे इधर गिरे हैं, देखिए सारे गिरा दिए, ये वो जो एक बच्चा था वो भी गिरा दिया, क्यों गिरा रही बुबा। माइशू हेलो, हेलो बोल दे, हेलो बोल दे, नो गुच्छा दिखाओ, गुच्छा गुच्छा दिखाओ। माइशू को एक ही चीज़ आती है गुच्छा करना, ना कहाँ जा रही, कहाँ जाना, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, बोल दे हेलो, मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। दोस्तों आज मैं अपना गुल्लक तोड़ रही हूँ, देखती हूँ मेरे गुल्लक में कितनी इनकम जमा है, आधा भी नहीं बना बेचारा सी बहुत, पर मैंने इसको बहुत जल्दी तोड़ दिया, जल्दबाजी करती शायद तोड़ने में, लालच आ रहा था देखने के कितने पैसे मैंने जमा कर लिए। और ये गुल्लक तोड़ने का भी कारण था, अब मैंने ये गुल्लक क्यों तोड़ा और मैंने इसमें कितने रुपए जमा हुए थे, ये चीज़ें अगर आपको जाननी है तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी। और ये माइशू भी आ गए पैसे गिनने के लिए। ये हमारी साड़ियाँ आ चुकी हैं ऑनलाइन, और इनमें फॉल लगने लग गया, आज ऐसा हमारा काम है साड़ी में फॉल लगाने का, और माइशु फॉल नहीं लगाने दे रही। क्या कर रहे हो बाप, क्या कर रहे हो, क्या किसकी झाड़ी है वो, ओ बुबले किसको प्यारी, किसको कल्ला प्यारी। और टाइम माइशु पास में नहीं जाती, दूर दूर भागती है खेलने के लिए, अभी मम्मी फॉल लगा रही है तो ज़्यादा ज़्यादा चिपक रही। माइशु कैसे करेगी दादी काम, कैसे करेगी दादी काम, आ जा मम्मा के पास, अब आओ आ जा। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ चिकन लेने,
हो गया हमारे खाना बनाने का टाइम। तो आज बनने वाला है चिकन चावल और रोटी। देखते हैं दुकान खुली है या बंद है। फिर कल से लगने वाला है सावन का महीना। सावन के महीने में चिकन अंडा कुछ नहीं खाया जाता। तो अभी अभी हमारा बन रहा है चिकन। और शॉप खुली है नहीं खुली है कोई भरोसा नहीं है। चिकन लेके आ गई मैं और ये मैंने चिकन चढ़ा भी लिया। देख सकते हैं मसाला बिल्कुल बढ़िया बनाया है, अच्छी ग्रेवी वाला। और ये साथ में बन रहा है मेरा पतीले में चावल। तो दोस्तों आज सवेरे से हमारा दूसरा पार्सल है। और ये पार्सल जो सवेरे मंगाया था, जो अभी मंगाया है, दोनों हमने शॉप से मंगाया था। सुबह हमने साड़ी मंगाई थी वो सवेरे के टाइम पे हमारे पास साड़ी पहुंची थी। अभी शाम के टाइम पे लगभग 4:30 हो रहा है अभी टाइम, इस टाइम पे आ रखी है बेल्ट। ये हमने कुत्ते के लिए बेल्ट मंगाई है, जेरी के लिए। जेरी की बेल्ट टूट चुकी थी तो उसके लिए हमने मंगाई है न्यू बेल्ट। और ये बेल्ट का अमाउंट है 370। और बेल्ट की क्वालिटी भी एकदम अच्छी आई है। सामान जो सुबह मंगाया था अभी मंगाया था दोनों ही बढ़िया आया। तो दोस्तों हमारा डिनर लग चुका है, अभी हम लोग साथ में खा रहे हैं, तीन लोग, मम्मी, रवि और मैं। दरा ने खा लिया, उसको ड्यूटी जाना है और बाकी अभी ड्यूटी से पहुँचे नहीं है। पानी भरो अभियान चालू हो गया हमारा फिर से, शाम को 7 बजे पानी भरो अभियान। है फिर घूम रख के आऊँगी। ये हो चुका है हमारा स्टोर फुल। ये सारा पानी हमने बारिश का भरा हुआ है। अभी बाहर 2 बाल्टी और पड़ी हैं, बारिश कम हो गई है तो वो बाल्टी भरेंगी नहीं भरेंगी कोई भरोसा नहीं है। माई शू हेलो जी, ओ जी, और यो है कहाँ रहा, उधर ही रहे। ये बियर पार्टी चल रही है, बियर पार्टी क्या बाबा, वो ग्रीन बुल, ग्रीन बुल, हाँ ग्रीन बुल। ये देखो क्या किया बाबा, वो क्या किया, जब खाना नहीं तो मुंह में क्यों भरा उतना, छी मुंह में डालना उसको, छी अब नहीं डालना मुंह में, गंदी बात। चेस काहे की, रोटी की, चिकन की, अच्छा चिकन की। माय श्योर तो सबके साथ क्यों चले जाती खाने वक्त, खाती तो है नहीं। वाली ना पनीर मिल गया है जो होटल में गई ना। ये हो रहा है हमारे सबसे लेट लतीक वाले खाना खाने वाले, ये सबसे लेट आते ड्यूटी से तो सबसे लेट खाते हैं खाना। ध्यान से देखो इस चेहरे को, ध्यान से, मोटापा का राज बताती हूँ क्या है। फर्स्ट में दादा ने खाना खाया, जितने पीस बचे थे चिकन के सारे मम्मी ने खाए, फिर हम लोग उन्हें खाया चिकन और चावल, और अभी पापा लोग खा रहे रोटी और चिकन, तो फिर और घुस गई। देखो ये है इनके असली मोटापे का राज। ध्यान से देखो इस चेहरे को, ध्यान से, ये देखो सबकी प्लेट में से ले लेके खा के सबके शरीर के हिस्से का पोषण अपने शरीर में डाल दिया। क्यों बैठे मामू के साथ अकेले खा रहा करके, मामू हैं, मैं शू मामू का छात कर ले, तू मामू का छात। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया हमने, सभी ने खा लिया, सारा काम कर लिया, अब ले। और ये मेरा रात का कोठा, मेरे पास दो और हैं, अच्छा मेरे को रात को आदत है सोने टाइम पे कुछ ना कुछ मुझे दुकान की चीज़ चाहिए, ये अभी लेके आई हूँ मैं कौन पर। तो अब हम लोग सो रहे हैं, आप लोग देखिए हमारी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। रहन दो तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। माई शू टकलू इधर देख, बाय बोल दो, बाय बोलो।
बाय। नो नहीं, उसका मन नहीं है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।